हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको देव दीपावली के बारे में बताने जा रहे हैं। देव दीपावली, जिसे देवताओं की दिवाली भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक प्रमुख पर्व है जो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार विशेष रूप से बनारस के गंगा घाटों पर धूमधाम से मनाया जाता है। देव दीपावली दीपावली के ठीक 15 दिन बाद आती है। मान्यता है कि इस दिन देवता स्वयं धरती पर आते हैं और गंगा के तट पर दीप जलाकर दिवाली मनाते हैं। देव दीपावली का पर्व देवताओं की ओर से भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर के वध के उपलक्ष्य में मनाई जाने वाली खुशी का प्रतीक है। कार्तिक पूर्णिमा के त्यौहार को ही देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान का विशेष महत्व बताया जाता है। देव दिवाली का खास संबंध काशी से है। इस दिन काशी बनारस के घाट में दीपदान की जाती है और पूरा घाट दीप से रोशन होकर जगमगाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया है। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था, जिसके बाद तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने पिता के वध का बदला लेने का प्रण लेते हैं। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया। पिता के वध का बदला लेने के लिए तीनों ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं और वरदान में अमर होने की मांग करते हैं। ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि कुछ और मांगो, जिसके बाद त्रिपुरासुर ब्रह्मदेव से वर मांगते हैं कि हमारे लिए 3 पुरी जब अभिजित नक्षत्र में एक पंक्ति में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहें तभी हमारी मृत्यु होगी, जिसके बाद ब्रह्मदेव तथास्तु कहते हैं। वरदान के बाद त्रिपुरासुर बलशाली होकर हर कहीं आतंक मचाने लगते हैं। तीनों जहां भी जाते लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगते। देवता भी उनके आतंक से परेशान होकर भगवान शिव के पास जाते हैं और अपनी व्यथा सुनाते हैं, जिसके बाद भगवान शिव त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए संकल्प लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के वध के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिए बनाया, सृष्टि सारथी बने, भगवान विष्णु बाण बने, वासुकी धनुष की डोर बनी और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजित नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही आक्रमण करते हैं और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती हैं। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का अंत होता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से भी जाने गए। जिस दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की नगरी काशी में दीपदान कर खुशियां मनाई। तभी से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दिवाली कहा गया, क्योंकि इस दिन सभी देवताओं ने पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाई थी। देव दीपावली का विशेष महत्व बनारस में है। इस दिन यहाँ के लोग गंगा नदी के घाटों पर दीप जलाकर देवी गंगा और भगवान शिव की आराधना करते हैं। हजारों दीपों से घाटों का दृश्य अद्वितीय होता है और ये मान्यता है कि इस समय गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। गंगा नदी के सभी प्रमुख घाटों पर हजारों दीयों से सजावट की जाती है। हर घर, मंदिर और घाट पर दीप जलाए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से गंगा आरती की जाती है और हजारों लोग इसे देखने के लिए एकत्र होते हैं। देव दीपावली के अवसर पर बनारस में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत प्रस्तुतियाँ आयोजित की जाती हैं। कई श्रद्धालु गंगा नदी में नौकायन करते हैं और घाटों के सौंदर्य का आनंद लेते हैं। देव दीपावली का संदेश अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और मानवता के कल्याण के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण का है। देव दीपावली का त्यौहार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मान्यताओं का एक अद्भुत उदाहरण भी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है।